कि 184 ईसा पूर्व 184 ईसा पूर्व जब मौर्य वंश का नाश हुआ श्रोता बंधुओं 184 ईसा पूर्व मौर्य वंश के दसवें सम्राट बृहद्रथ मौर्य का कत्ल किया पुष्यमित्र शुंग ने और यहाँ पर बौद्ध सभ्यता को मिटा करके और वैदिक सभ्यता को लागू कर दिया। 184 ईसा पूर्व जब मौर्य वंश का नाश हुआ ईरान से आए आए इस भारत में फिर वास हुआ जब बृहद्रथ मौर्य का कत्ल कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर वैदिक सभ्यता को लागू कर दिया बौद्धिक सभ्यता को खत्म करने के बाद में यहाँ पर अनेक वीर राजा हुए जिसको आज झांसी कहते हैं। यहीं पर एक बहुत ही बड़े वीर प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है रामचंद्र यादव के नाम से जाने जाते हैं और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर यादव समाज के कितने लोग बैठे हैं, है कोई यहाँ पर कितने लोग हैं भैया? आगे लाइट चल रही है हमारे दिखाई नहीं पड़ रहा पीछे। अच्छा है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यादव वंश का संस्थापक कौन था कितने लोगों को पता है? भैया प्रदीप उधर टॉर्च लगाओ, देखा कितने लोग हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि यादववंश का संस्थापक कौन है, यादव समाज की स्थापना किसने की, तो आप क्या बताएंगे? कथाएं भागवत बहुत सुनी क्यों, लेकिन उसका संस्थापक हमें नहीं पता। जानने की जरूरत है, जब हम अपनी जड़ को ही नहीं जान सकते तो अपना इतिहास भी कभी नहीं पहचान सकते। याद कर लीजिए, मैं बता रहा हूं, और कभी हो सकता है पूछ लेना बड़े बड़े विद्वानों से, हो सकता है सबके बस की बात नहीं। जो इतिहास में घुसा होगा, जिसने इतिहास के चक्कर लगाए होंगे, जिसने इतिहास को पढ़ा होगा, उसी को पता होगा। वो भी 1000 व्यक्तियों को ढूंढेंगे तो हो सकता है 2 व्यक्ति मिले और 998 लोग नहीं बता पाएंगे। जब 1000 ढूंढेंगे तब 2 व्यक्ति होंगे, वो भी 1000 व्यक्ति कैसे, खूब पढ़े लिखे 1000 व्यक्ति ढूंढेंगे तब। और वैसे कि गांव वाले 1000 नहीं 5000 ढूंढ ले, हो सकता ना बता पाए। तो कहने का मतलब है, पहले अपने वंश के संस्थापक का नाम अपनी जड़ को मालूम करना चाहिए कि हमारी जड़ क्या है, तभी हम जान पाएंगे कि हम क्या थे। जब तक हमारी जड़ नहीं होगी तब तक हम कुछ करें, हमारा काम कितना भी हो जाए, मेहनत कितनी भी कर ले, लेकिन हमारा नाम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दूसरे के छत्र छाया में जीवित रहते हैं। वो कैसे, मैं आप लोगों को एक प्रमाण दे रहा हूं। एक 6 महीने के अमरूद के पेड़ को लेकर के आए, 6 महीने का अमरूद का पेड़ और 6 महीने का एक आम का पेड़, दोनों बराबर लगभग तो बराबर हो गए लंबाई चौड़ाई में। 6 महीने का आम का पेड़ और 6 महीने का अमरूद का पेड़ एक जगह पर रख दे, उसको जड़ सहित खोद करके लाए और बाद में क्या करें, बिल्कुल नाप जोक करके आधे हिस्से से अमरूद को काट दे, मतलब बिल्कुल पूरा नाप ले और आधा हिस्सा अमरूद का काट दे, अलग कर दे, दो भाग कर दे, आम को भी दो जगह से काट दे, आम के पेड़
को दो जगह कर दे, फिर क्या करे, इस प्रकार से काटे कि बाद में फिर बांधते बन जाए। अमरूद को काट दीजिए और आम को काट दीजिए, बाद में क्या करिए, अमरूद वाला जो हिस्सा है वो आम वाले हिस्से में बांध दीजिए, आम वाला जो हिस्सा है वो अमरूद वाले में बांध दीजिए। मतलब पेड़ अमरूद का है, अमरूद का काट दिया, आम का काट दिया, बदला बदली क्या हुई, जड़ वही है लेकिन ऊपर का हिस्सा बदल गया, अमरूद वाला आम में फिट हो गया और आम वाला अमरूद में फिट हो गया। अब अमरूद का पेड़ लगाया जाएगा उसमें ऊपर का हिस्सा काहे का है, बोलिए आप लोग, ऊपर का हिस्सा काहे का है, आम का, जड़ काहे की है, जड़ अमरूद की। अगर वो पेड़ लगाया जाएगा, अमरूद का पेड़ अगर कहीं पे लगा दिया जाए तो उसमें फल काहे के आएंगे, फल काहे के आएंगे, आम का, लेकिन जड़ काहे की है, ताकत कहां से आ रही है, ताकत काहे की जा रही है अमरूद की, लेकिन फल काहे का ऊपर आ रहा है। बाजार में प्रचार किस चीज का हो रहा है, आम का तो होगा, लेकिन ताकत किसकी खर्च हो रही है, अमरूद की। इसी प्रकार से हमारे समाज को कलम कर दिया कुछ विदेशी लोगों ने आकर के, हम लोगों को भाई भाई को कलम कर दिया, हमारा इतिहास जड़ से खत्म कर दिया, काम हम करते गए लेकिन ऊपर वाला, जिसको आज तक आप ऊपर वाला समझते चले आए, ऊपर वाला फलता फूलता चला गया, क्योंकि जड़ होती है नीचे है और फल फूल होता है ऊपर। फल फूल की इज्जत सब लोग करते हैं लेकिन जड़ की इज्जत कोई नहीं करता। और हमारे समाज के लोग ये बात भूल गए, अगर जड़ ना हो तो क्या फूल और फल आ सकते हैं, फूल फल आ सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी जड़ को नष्ट कर दिया गया, मिट्टी में दबा दिया गया, हम लोग बीच से नष्ट हो गए, ऊपर का हिस्सा अर्थात हमारा इतिहास खत्म कर दिया गया। आज भी जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंध घाटी की सभ्यता ये खुदाई की गई तब हमारे पूर्वजों का इतिहास निकलता। बदायूं जिला में एक बुद्ध यादव रहते थे, नाम था बुद्ध और बौद्ध धर्म को अपनाए थे। उन्होंने एक नगर बसाया था, उसका नाम रखा था बुद्धायु। क्या नाम रखा, बुद्धायु। और बुद्धायु जब बुद्ध का कत्ल हुआ तब उसका नाम रख दिया गया बुद्धायु से मिलाकर के बदायूं उसको। और आज वहां पर जब खुदाई हुई तो हम चल करके देख आए हैं, बरेली से जब जाएंगे, बरेली से बिलसी तहसील पड़ती है, जब जाएंगे तो वहां एक पड़ता बहुत बड़ा स्थान पड़ता है सूरज कुंड, सूरज कुंड। अभी वो सपा की जब सरकार आई अखिलेश यादव जी की, तो वहां पर बहुत पैसे का अनुदान दिया था अखिलेश यादव जी ने, और उसका फिर से मतलब जो है निर्माण किया जा रहा, पुनरोद्धार किया जा रहा है। सूरज कुंड निकला, बहुत बड़ा तीर्थ, बहुत बड़ा टीला, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, महल, ये सब कुछ निकल रहा हुआ खुदाई में। तब वहां से पता लगा कि ये महाराज यादव समाज के थे, जो बुद्ध उनकी नगरी है, और वो बौद्ध धर्म को अपनाते थे। और कम से कम 20 कार्यक्रम हम लोगों ने उस क्षेत्र में किए हैं, सारे के सारे यादव समाज के लोगों ने करवाए, लेकिन हमारे यहाँ के यादव समाज के लोग अपने राजा को नहीं जानते। और पीलीभीत, पीलीभीत का नाम सुना, पीलीभीत के संस्थापक भी यादव समाज के राजा थे। और यदुवंश के संस्थापक कौन थे, ये बात नहीं तो अब छूट जाएगी तो नहीं जान पाएंगे। यादव वंश के संस्थापक थे महाराज भिल्लभ यादव। क्या नाम था, याद कर लीजिए भैया, महाराज भिल्लभ यादव, जिन्होंने यदुवंश की स्थापना की। लेकिन जब आर्य आए विदेश से, आर्यों ने नष्ट कर दिया यदुवंश को, बिल्कुल खत्म कर दिया यदुवंश को, बिल्कुल मिटा दिया, जैसे मौर्य वंश का खात्मा हुआ पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। तो दोबारा में द्वितीय संस्थापक यदुवंश के कौन हुए, रामचंद्र, रामचंद्र द्वितीय संस्थापक रामचंद्र यादव यादव वंश के संस्थापक हुए, जो बहुत ही वीर प्रतापी और यदुवंश के सबसे वीर प्रतापी शक्तिशाली राजा हुए रामचंद्र। अगर मेरी नहीं मानते तो यदुवंश का इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास अगर न मिल सके तो आजकल नेट की व्यवस्था है, सबसे पहले आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा, नेट तो सबके पास आज है, किताब नहीं ढूंढ सकते लेकिन नेट पे तो जरूर सर्च कर सकते इतिहास। तो यादव समाज का राज्य कौन था, अहीरवाड़ा राजधानी थी, जिसको आप झांसी कहते हैं, अहीरवाड़ा राजधानी थी। और
जो है नदी वहां पर भिलसा नदी है, भिलसा नदी के किनारे बसा था और महाराज का किला था महाराज रामचंद्र जी का। लेकिन जब दोबारा फिर हमारे देश में विदेशियों का आक्रमण होता है तब महाराज का वध कर दिया गया, तब फिर से किसका शासन हुआ, तब जाकर के जिनको कहते हैं तुर्क, क्या कहते हैं तुर्क, यदुवंश के राजा बंगाल में एक हुए महाराज महिषासुर। बंगाल के राजा कौन? महाराज महिषासुर। अभी चैत की वो नवरात्रि आने वाली है तो महिषासुर मर्दनी की पूजा आप लोग करेंगे। बंगाल के राजा महिषासुर यादव और महिषासुर मर्दनी की पूजा होगी कब? अभी आने वाले चैत में। महिषासुर मर्दनी मतलब महिषासुर को मारने वाले। हम लोग जान ही नहीं पाए जिन्होंने हमारे पूर्वजों का कत्ल किया, जो हमारे पूर्वजों को मारने वाले हैं, मैंने उनको देवी और देवता बनाने का काम किया। जब विदेश से आए महाराज महिषासुर से युद्ध किया, हर एक प्रकार से ताकत दिखाई, शक्ति दिखाई, लेकिन महिषासुर से पार नहीं पा पाए। हारते चले गए, परास्त होते चले गए। तब उन्होंने चाल चली कौन सी? एक लड़की को भेजा जिसका नाम है दुर्गा, कि तुम जाओ किसी प्रकार से महिषासुर का वध करना है। छल से, बल से, कपट से, अपनी अदाओं को दिखा करके, अपने रूप में मोहित करके किसी भी प्रकार से उसको मारना। दुर्गा जाती है महिषासुर से, बहुत प्रकार से बिना निवेदन करती, महिषासुर अपने वहां शरण दे देते हैं। महिषासुर से शादी की बात करती है, महिषासुर से इनकार कर देते हैं। ये क्रियाकर्म जो है चलता रहा लगभग 7 दिन और आर्यों ने कहा था, जब भेजा था कि जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तुम आओगे तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, जब तक तुम उसको मार करके नहीं आओगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। दुर्गा ने सोचा हमारे साथी तो भूखे मर रहे होंगे, मर जाएंगे बिना भोजन पानी के। 8वें दिन रात में क्या होता है, महिषासुर यादव जी सो रहे होते हैं। दुर्गा रात में 12 बजे जाती है, देखती है तलवार सिर के पास रखी है, उठा करके तलवार महिषासुर की गर्दन काट देती है रात में 12 बजे। और 9वें दिन जाती है वही तलवार लेकर के अपने साथियों के पास, ये देखो मैंने दुर्गा वो महिषासुर का वध कर दिया। और जो ही देखा कि महिषासुर का वध हो गया, आर्यों ने तुरंत ऊंचा आसन दिया, बैठाया, खूब पूरी पकवान बनाए, खीर पूरी खाई, मौज मस्ती मनाई और उसकी आरती की, आज के बाद में मैं तुमको देवी बना दूंगा और तुम्हारी पूजा होगी। मैं ही नहीं, जिसको तुम मार करके आई हो उसकी वंशज भी तुमको पूजेंगे, ऐसा पर्दा डाल दूंगा इसलिए छिप जाएगी, उन्हीं के वंशज तुमको पूजेंगे जिनको तुमने नष्ट किया है। और सच में हमारे यदुवंश के भाई लोग भी उनको, मैं नहीं कहता हूं, आप इतिहास देख लीजिए, अब इतिहास देख लीजिए, मेरी बात ना मानिए। जब ये देखा तो कानपुर के 1911 में एक महापुरुष का जन्म हुआ, यदुवंश के महापुरुष, अपने उत्तर प्रदेश जिला कानपुर स्टेशन झिंझा के पास में गांव पड़ता है कठारा। कठारा गांव में एक बहुत वीर पहलवान बलवान आर्य सामाजिक कट्टर पाखंड विरोधी गज्जू सिंह यादव रहा करते थे, जिन्हें लोग सेठ के नाम से जानते थे, बहुत ही इज्जत मान सम्मान था, क्षेत्रीय लोग उन्हें सेठ के नाम से पुकारते थे, जमींदारों की तरह शासन करते थे। उस क्षेत्र में मनवादी विचारधारा के उच्च वर्ग के लोग तो बहुत थे, लेकिन उनकी बराबरी की कोई ताकत नहीं रखने वाला था, ना तो उनसे ज्यादा किसी के पास खेत था। 1911 में उनके पास 200 बीघा खेत था। 1911 में उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है, गज्जू सिंह यादव की पत्नी के नाम है मूला देवी। उन मूला देवी की कोख से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव जी ने जब अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ा तब उन्होंने रामायण पढ़ी, जो रामायण हम लोग अखंड कहते हैं, अखंड पढ़ी और पाल समाज गडरिया समाज में पैदा हुए ईवी रामा स्वामी नायकर, ये मैं जो बता रहा हूँ ये सारी तस्वीरें बनी।
ये पेरियार रामस्वामी नायकर पाल समाज गढ़िया समाज में जन्मे नारायण गुरु ईवी पेरियार रामस्वामी नायकर जिन्होंने पाखंड का खुल के विरोध किया, उन्होंने रामायण पढ़ी। उनका जन्म चेन्नई मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने क्या किया, रामायण को सही और गलत निचोड़ निकाल करके, ओरिजिनल बातें निकाल निकाल करके उन्होंने एक किताब लिखी, एक किताब लिखी रामायण की चाबी इंग्लिश में। ललई सिंह यादव जी उनको गुरु मानते थे। ललई सिंह यादव जी ने पढ़ा और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सेना में काम करते थे। ललई सिंह यादव मानी जाने हस्ती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने काम छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पद नहीं संभाल सकता। गुरु जी गुरु बना लिया रामास्वामी नायकर को। रामायण पढ़ी, देखा रामायण में हमारी बुराई ही बुराई लिखी है, रामायण में बुराई बुराई लिखी है। जिस राम की पूजा हम करते उस राम ने यदुवंश का विनाश कर दिया था। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही रामचरितमानस। कब, जब रामचंद्र लंका को जा रहे थे रावण को मारने के लिए, समुद्र के तट पर बैठे हैं, 3 दिन हो गए हैं लेकिन कुछ ही प्रकार की कोई सुविधा नहीं बन रही है। 3 दिन हो गए जब कुछ नहीं हुआ, तब लक्ष्मण क्रोधित होकर के बोले, लक्ष्मण क्रोधित होकर के बोले, भैया प्रेम से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा करो बाण चढ़ाओ। विनय न मानत जड़द जल गए 3 दिन बीत, बोले लखन सकोप तप भय बिन होत न प्रीत। ये दोहा मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में पढ़ लीजिए। विनय न मानत जड़द जल गए 3 दिन बीत, बोले लखन सकोप भय बिन होत न प्रीत। भैया बगैर डर के कोई काम नहीं करता, विनय प्रेम से कुछ नहीं, बाण चढ़ाओ मारो समुद्र सूख जाएगा। राम ने तुरंत प्रतिज्ञा पे बाण चढ़ाया धनुष पे, और जो बाण चलाने के लिए तैयार हुए समुद्र देवता प्रकट हो गए, कहने लगे भगवान हमारा जो है काम था वो मैं कर रहा था, आप मुझे नष्ट मत करो, सुखाओ मत। रामचंद्र जी ने कहा, जो राम भगवान है उन्होंने कहा कि तुम सुख नहीं रहे, हमको लंका पार जाना है। समुद्र ने कहा कि तुम्हारे में 2 बंदर है, कौन, नल और नील। उनको श्राप है एक ऋषि का, जो इस समुद्र में फेंके या किसी पानी में फेंके वो चीज तैरती है, डूबती नहीं है। इनसे पुल बनवाओ और लंका पर चले जाओ। राम ने ये तो काम किया, लेकिन हे बच्चों, शूद्र बनाए नहीं जाते, यही शूद्रों की पहचान होती है। इनकी कमी नहीं है, माहौल में जैसे सिखाए सीखे हैं वो संस्कार वैसे कर रहे हैं। उच्च वर्ग के लोग होते ऐसे नहीं ध्यान से सुनते, उनको सिखाया जाता कोई बात सुनो ध्यान से सुनो। तो बात क्या चल रही थी, रामचंद्र जी को जब बताया नल नील से पुल बनवाओ, रामचंद्र कहने लगे समुद्र से, हे समुद्र देवता, ये मेरी धनुष पे बाण जो चढ़ा है, बाण चढ़ जाता है, मैं छत्री हूं, चढ़ा हुआ बाण मैं उतार नहीं सकता। एक बार प्रतिज्ञा पे अगर बाण चढ़ गया तो ऐसे नहीं उतरेगा, कोई उपाय बताओ। तब समुद्र ने बताया क्या, रामायण में चौपाई भी तुलसीदास ने की, एक दक्षिण दिशा एक द्रुम कुल नगरी, द्रुम माने होता यादव, द्रुम कुल माने होता यादव वंश के लोग, यादव कुल की एक नगरी है द्रुम कुल। वहां के यादव लोग बड़े बेकार है, आते हमारे पानी को खराब करते हैं, ऐसा करो भगवान ये बाण उधरे को छोड़ दो, उनकी नगरी को ही नष्ट कर दो। भगवान राम ने तुरंत दक्षिण को बाण चलाया और यदुवंश का विनाश कर दिया। हम नहीं कह रहे, दूसरा विनाश द्वापर में हुआ, वो कैसे, कन्हैया जी के श्राप से। एक बार की बात है, कपिल मुनि द्वारकापुरी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, बड़े जाने माने बाबा है, भविष्यवाणी सबकी बता देते हैं। कन्हैया जी ने कहा देखो हम भी परीक्षा लेंगे बाबा को, तुरंत एक साड़ी पहनी लाली लिपस्टिक लगाए के और पेट में एक कढ़िया बांध के, कढ़िया जानते आप लोग, भागवत में पढ़ लेना, हम अपने पास कुछ नहीं बता रहे। पेट में कढ़िया बांध के गए, लाली लिपस्टिक लगा के दुल्हनिया बन के, कहने लगे बाबा अगर ज्यादा अंतर्यामी हो तो ये बता हमारे गर्भ से लड़की का जन्म होगा कि लड़का का जन्म होगा। बाबा अंतर्यामी थे, पहुंचे हुए संत थे, क्रोधित होकर के बोले कन्हैया तुझको दुनिया भगवान मानती होगी, कोई बात नहीं है, तू पहली बात यादव तो है नहीं, लेकिन
यहाँ का तूने खाया पिया है, इसमें ना तो लड़की है ना लड़का है, जो कुछ है तेरे वंश का विनाश है, इसी के द्वारा तेरे वंश का विनाश है। कन्हैया जी सोचे अब क्या करें, तो उसको तोड़ फोड़ के घिस पिट के फेंक दिया, लेकिन क्या किया, इतना बड़ा टुकड़ा जब लोहे के रगड़ रगड़ रहे रगड़ते इतना बड़ा रह गया, करके यमुना नदी में फेंक दिया। उसको मछली ने निगल लिया, मछली को एक आखेटक ने पकड़ा, मछुआरे ने पकड़ा, उसको चीरा गया, उसी के तीर में लगाने वाली गांसी बनाई गई और कन्हैया जी के पैर में वही लगा, कन्हैया जी की मृत्यु हो गई। लेकिन उसके पहले श्राप हुआ था, कन्हैया जी के श्राप से यदुवंश का आपस में लड़ करके विनाश हो गया। बलराम और कृष्ण का युद्ध हुआ, जरासंध जो है जरासंध बलराम एक तरफ, कृष्ण जो हुए पांडवों की तरफ हो गए और आपस में युद्ध करवा करके और यदुवंश का पूरा विनाश करवा दिया। तो क्या है इतिहास पढ़ो, जिस कृष्ण को हम अपना पूर्वज मानते वो कृष्ण हमारे पूर्वज नहीं है। एक कन्हैया जी तुम्हारे पूर्वज नहीं है, एक कृष्ण है, एक कृष्ण है भागवत वाले और एक कृष्ण है वेद, जो वेदों के कृष्ण है वो सच में आपके पूर्वज है, जो वेदों के कृष्ण है वो सच में आपके पूर्वज है। लेकिन उन कृष्ण की हार कैसे हुई, इंद्र नामक व्यक्ति ने उन कृष्ण का कत्ल कर दिया था धोखे से। और ये कन्हैया जी ये भागवत वाले ये आपके यादव समाज में नहीं थे, यदुवंश में केवल इनका लालन पालन हुआ था। बोले भगवान बुद्ध की। तो कहने का मतलब अपने इतिहास को जाने, और हमारे समाज के लोग अपने इतिहास को भूल गए, अपने इतिहास को भूल गए। और कन्हैया जी ने तो सब कुछ किया, का किया, जहां खाया उसी पत्तल में छेद किया, बलराम के घर में रहे और बलराम की बहन सुभद्रा का हरण करवा दिया, किसके द्वारा, पांडव अर्जुन के द्वारा। कहने लगे हम सुभद्रा को लेके आएंगे मंदिर में, तुम रथ लेके हुए मिलना, भगा ले जाना। सुभद्रा को पांडव अर्जुन भगा ले गए, जिनके बच्चे थे अभिमन्यु। अगर ये कृष्ण ना होते तो यदुवंश का मतलब इतना बड़ा विनाश नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण कह रहे हैं, मैं भी नहीं समझता था, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे जानकारी हुई। खून खोल जाता है, याद आती है पुरखों की कहानी। सन 1857 की क्रांति जब हुई, अभी जल्दी की बात, जो आजादी की जंग 1857 की क्रांति में रेवाड़ी जंक्शन से लेकर के हरियाणा नारनौल तक हमारे तुलाराम यादव जी ने तलवार चलाई। एक नहीं 700 की सेना लेकर यदुवंश ने तलवार चलाई। 1857 की जो पहली क्रांति हमारी है उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का भाग रहा, हिस्सा रहा, आंदोलन रहा, योगदान रहा, तो हमारे यादव समाज का। लेकर कहीं पर कोई नाम आता है, नहीं आता। पासी समाज के लोगों का योगदान रहा, यादव समाज के लोगों का योगदान रहा, बहुत सारे समाजों का योगदान रहा। लेकिन जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो केवल महात्मा गांधी चाचा नेहरू की फोटो लगाई जाती है, क्योंकि उनके बप्पा है तो उनकी पूजा, तुम्हारे बप्पा कुछ क्यों, क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग मूर्ख हैं, हम मूर्ख बन गए, हम अपने इतिहास को जानते नहीं है। उनके बप्पा की जयंती की छुट्टी, हमारे बप्पा की जयंती की छुट्टी भी नहीं। उनका जन्मदिन तो खुशी से मनाया जाए और मरण दिन वो खुशी से, और हम अपने पूर्वजों को जानते ही नहीं, तो जानने की जरूरत है। और जब तक हम अपने पूर्वजों को नहीं जानेंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। हमारे समाज के मूर्ख लोग सच्चाई को भूल गए और अधर्म को करने लगे, अधर्म को करने लगे, जो धर्म है उसको भूल गए और जो अधर्म करने लगे। धर्म क्या है, किसी को सताओ नहीं, अहिंसा परमो धर्मा, किसी जीव की हत्या न करो, चुगली चालाकी न करो, चोरी न करो, व्यभिचार न करो, जुआ नशा से दूर रहो, ये है धर्म। लेकिन वहां क्या बताया जाता है, अहिंसा परमो धर्मा नहीं, पत्थर की देवी जब ही खुश होंगी जब बकरा चढ़ाओगे। यहां बताया जाता है अहिंसा परमो धर्मा, जीवों की हत्या ना करो, वहां बता तब तक बकरा मुर्गा ना चले तब तक देवी खुश ना हुई। जय दुर्गे काली खप्पर वाली, उनका खप्पर काहे से भरता है, खून से, बता, ये देवी नहीं। परमपिता परमात्मा एक है, वो अजर अमर है, ना कभी उसका जन्म होता है ना उसका कभी मरण होता है, वो अजर अमर है, वो ना जन्म लेता है ना मरता है। और ऋषि मुनि माला जपते किसके लिए, कि हम जन्म मरण के बंधन से
माला ऋषि मुनि इसीलिए तो जपते हैं कि माला जपेंगे तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो उन राम खुद ही पैदा होकर मर रहे हैं, जब वो खुद ही नहीं जन्म मरण से मुक्त है, तुमका काम मुक्त करेंगे? उस परम पिता को मानो, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, इंसान हो, केवल इंसान से इंसानियत का नाता रखो। आपस में भेदभाव रखोगे तो आप इंसान नहीं है। कबीर जी ने कहा था कि मनुष्य पैदा होता है इंसान बन करके, और न हिंदू बन करके, न मुसलमान बन करके। हिंदू मुसलमान सब यहीं पे बनाया जाता है, ऊपर से बन करके कोई कुछ नहीं आता। जब बरसात होती है, चाहे हिंदू का खेत हो, चाहे मुस्लिम का खेत हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके खेत में बरसात होती है। जब गर्मी का मौसम आता तो सबके गर्मी लगती है, ऐसा नहीं कि पुजारी है तो उनके कम गर्मी लगे। हवा चलती तो सबके बराबर लगती है, जाड़ा होता तो सबके जाड़ा लगता है। अब कोरोना वायरस चल रहा है, काम जो देख थोड़ी देखी पुजारी है। अभी YouTube पे आया था, WhatsApp पे, काशी जी में शंकर जी की लाट, काशी जी में शंकर जी की मूर्ति, जितने देवी देवता सबके ऊपर वो कार लगाए, मास्क, पत्थर की मूर्तियों पे मास्क लगा। बताओ भैया, ये लोग तुम्हारा भला करेंगे? ये प्राकृतिक आपदा है, इसे ही परमपिता परमात्मा का कहर कहते हैं। परमपिता परमात्मा की नजर में सब एक समान है, ना कोई ऊंचा है, ना नीचा है, ना छोटा है, ना बड़ा है। लेकिन हमारे समाज के मूर्ख हो गए। आइए, उन मूर्खों के लिए ये गीत मैंने लिखा, अभी तैयार किए हैं, सुने, और उसके बाद में आप लोग इतिहास देखेंगे कि कैसे हमारे पुरखों के साथ छल हुआ। सभी लोग सुनेंगे किस प्रकार से। अरे पुराण श्रीमद् भागवत रामायण में लिखा, वो बता रहे, हम नहीं कह रहे। तो कलावा जैसे है ये बंधा, तो ये गुलामी का प्रतीक है, वो लोग जान जाते हैं आप गुलाम है। इसी प्रकार से हमने भी बुद्धि लगाई, हम पहले कह देते कत्ते लोग बांधे, तो कोई दांतन तेरे काट रहते, कोई ऐसे हाथ में लुकवा लेते। यही के लिए हम बुद्धि लगाए, हमका देखी, क्योंकि हम बुद्धिस्ट है तो बुद्धि से काम करें। देखे कितने लोग बांधे, और सब लोग दुई दुई हाथ पूरे उठा दिए, हम देख लिए कत्ते लोग बांधे। अब बताए कातन का भैया उठाते सब लोग। तो कहने का मतलब है कि वो लोग कहते हैं कि कलावा नहीं, ये छलावा है। कलावा का मतलब होता काल प्लस आवा, काल आवा बराबर कलावा। काल आवा मतलब काल माने होते मौत, काल माने मौत, काल प्लस आवा काल आवा बराबर कलावा। बधाओ को कलावा समझ लो तुम्हार काल आवा, जानबूझ बुलायो काल, काल आवा बंधाओ कलावा। और काय के लिए बांधन की तर जाएंगे, काल आवा तो तर तो जरूर जाओगे। तरे का मतलब क्या हो, तर जाएंगे। जब बप्पा दादा परदादा मेहनत खेतन कसके करते थे चैत के महीना में, बैसाख के महीना में, तो वो तर जात रहा है। कैसे तर हो जात रहा है, काटत काटत गेहूं तर हो जात रहा है, कैसे पसीना तेरे तर हो जात रहा है। तर मारने मतलब भीग जात रहा है। अब नहीं तो जब कमजोर होत रहा है वो, और कौन तर होत रहा है। जब बोझ बड़े बड़े उठाए जाते रहे, खोपड़ी पे उठो उठते हैं, तो वो जनता झेल नहीं पाती, तब तर हो जाता बोझ ऊपर। वो तर, तर मतलब नीचे, तर माने नीचे। तो खूब उनकी सेवा करे रहा, तरे रहो, तरे के बदले करना तर जाएंगे। तो खूब करो, खूब तरो, खूब पत्थर पूजा करे रहो, और हरदम मनवा दिन करे तरे रहो, मतलब तरे रहो, तरे रहो, तरे रहो, खूब तरो। कितने लोग अच्छा गुलामी से मुक्त होना चाह रहे हैं, देखे कत्ते पेवर बुद्धिज बनना चाहते हैं। जो मुक्त होना चाह रहे हैं वो अपना अपना कलावा काट के यहाँ पे रख दे, समझ जाएंगे आज आपने अपने बंधन को तोड़ करके फेंक दिया। और बंधे रहना चाहते तो खूब बंधे रहो। ये कलावा कब से शुरुआत हुआ? अभी विप्र ने कहा राजा बलि से, मैं तुमको बता बता के लूटूंगा। तीन वचन भरवाए तिरवाचा, एन बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिवत धाम रचेन माचल माचला। जैसे तुम्हारे दादा को बांधा था वैसे हम तुमका बांध रहे, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। और रुपयो तुम्हें क्या बंधे दियो, संग बंधिबो करे रुपयो ले ले, तुम कहीं बांधे तुम ते रुपया ले। तो कितने लोग अच्छे कलावा काटेंगे, है कोई? हमारी समझ में कोई मानने वाले हैं? नहीं करें पूरी खबर।
धर्मेंद्र के रे भैया जी कहाँ है? हमका तो नाम याद है भैया तुम्हारे, कहा उनके कलावा बहुत बना रहे हैं, हम नजर तरे रखे। एक बहन जी, बहन जी के लिए जोरदार तालियों से। ऐसे लोगों को कहते हैं वीर, जो मैदान में उतरता उसे वीर कहते हैं। हर जगह नवयुवक आवत रही, हमारी स्त्री माताएं बहने अगुवा करें। ऐसे वीर अगर पैदा हो लगे तो देश बहुत जल्दी बदल जाए। माताओं बहनों की संख्या इधर आगे, कहा कहते देश पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान नहीं महिला प्रधान जल्दी ही हो जाइए। कि भारत पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान था लेकिन अब महिला प्रधान होने जा रहा है, क्योंकि लोग आगे हैं तो लोग पीछे। इधर से कितने लोग हैं भैया, आएगा कोई? हाँ आ जाओ, कितने लोग आना चाह रहे हैं। एक बिटिया और खड़ी भाई, धर्मेंद्र भैया बुला के ले आओ। इधर कोई लुकवाए तो नहीं रहे अपने अपने हाथ में? ये भैया लुकवाई का बात है, यू का है। सौ का तो सोने चांदी चैन लेकर पहनो, सौ खत्म तो ठीक। अब धागा एक वैज्ञानिक तत्व है, जब हम नहाते हैं, कोरोना वायरस की बात छोड़ो, अन्य कीटाणु वायरस ही में घुस जाते, जब नहाते भीगता है धागा तो वायरस घुस जाते हैं और धीरे धीरे रोयों के डगर से अंदर चले जाते हैं, हमारे अंदर वो बीमारी बना देते, अपना आकार बढ़ा लेते हैं। तो इस धागा को बांधने से, वो कलावा का धागा हो कोई धागा हो, धागा तो हमें अपने हाथों में कभी बांधना ही नहीं चाहिए। हाथ पैर गर्दन में धागा कभी किसी प्रकार का नहीं बांधना चाहिए, उसी में गंदगी जाती रहती है, धीरे धीरे हमारे शरीर में पेश होती, दाना निकले आते कभी कभी। तो ऐसा नहीं करना, ये नहीं कोई आ जाए कहियो भगवान बुद्ध के और धागा बांध लो। धागा तो धागा चाहे भगवान बुद्ध के हो, चाहे सत्यनारायण केरी कथा के रहो। वीर लोग ऐसे ही है, इधर वाले तो बेकार, हमें समझ में इधर वाले इधर चाहे कोई, इनका तो बुला रहे हैं बड़ी देर से, अब भैया उठे कर नाम लिया जाए हमारा। देखो पूरी जत्ती पांच बहनी लोग बिटिया लोग खोले मत्ता अकेले दुकान भर फेंका इन्हें दे रहा। और कोई है भैया? हाँ नहीं, देवरिया वाले कुछ लोग बांधे हम देखे हैं, नहीं बना हम देखे नहीं, एक जन के बना है कोई बना है भैया? तो दातन तेरे काट डरे हुए हैं, वो नहीं माने थे। बहन जी के लिए ताली बजाइए आप, इससे बड़ा पंडाल। और यहाँ जो आएगा तो संकल्प करके जाएगा कि आज से मैं बंधन से मुक्त हूँ, किसी भी प्रकार का बंधन अपने हाथों में सोना चांदी पहनाओ, घड़ी पहनाओ, हाथे कोई जरूरी लाल पीला हरियर काला धागा बांधो। बोले भगवान।